बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर सेफ एंड साउंड एट योर होम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश फर्स्ट टर्म वर्कबुक। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू पेज नंबर 22। But first of all, we will write date and day. So today date is 23 June, J-U-N-E, June. And today day is Tuesday, T-U-E-S-D-A-Y. बेटा, जो आज हम लोगों ने लेटर राइट करना है वो है जी गा। क्या है वो लेटर? जी गा। अब आपने इसकी फॉर्मेशन को बड़े गौर से देखना है, ठीक है, कि मैं जी को किस तरह राइट करूँगी और गा को किस तरह राइट करूँगी। ऊपर वाली जो थर्ड लाइन से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से इसे स्लांट लेकर जाना है ऊपर, फिर राउंड कर देना है। जैसे का शेप में आप थोड़ा सा राउंड करते हो ना, वैसे ऊपर ले जाना है, स्टे डाउन, और फिर इसे टर्न करना है लेफ्ट साइड पे, देन ऊपर ले जाना है बिल्कुल सेकंड लाइन तक, लेकिन सेकंड लाइन के साथ टच नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्मॉल लेटर में ग कैसे राइट करना है। सेम जैसे का आप राइट करते हो, लाइक दिस, अप डाउन, फिर इसको टर्न कर देना, टर्न करते हुए इसे ऊपर ले जाना ही हो, लेकिन सेकेंड लाइन को टच नहीं करना चाहिए, सेंटर में ही उसके रोक देना है आपने। जी गा, क्या राइट किया है हमने? जी एंड देन ग। अगेन देखें, थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है आपने यूँ, अप डाउन, और फिर इसे टर्न कर देना है ऊपर की तरफ। का शेप जैसे आप लिखते हो का बनाते हुए, सेम एज इट इज़ वैसे ही अप डाउन एंड टर्न। अगेन देखें बेटा आप लोग कि मैं कैसे राइट कर रही हूँ। आज हम राइट कर रहे हैं जी गा। जी जो है ये बेटा फोर लाइंस में राइट करना है आपने, लेकिन गा जो है ये आप राइट करेंगे थर्ड नीचे वाली तीन लाइनों में, ठीक है। जी और ग, फिर देखें आप लोग, जी और फिर ग, जी ग, ग नीचे वाली थ्री लाइंस में लिखना है आपने, और जी जो है वो फोर लाइंस पे आएगा। जी ग, जी ग, जी ग, ऊपर वाली थ्री लाइंस में आपने एल शेप की तरह बिल्कुल बनाना है, अप डाउन, टर्न करना इधर लेफ्ट साइड पे, और फिर इसे अप कर देना है, और ग लाइक दिस। फिर देखें मैं कैसे लिख रही हूँ। जी ग, जी ग, जी
ग, ये लास्ट लाइन चल रही है हमारी बेटा, पेज नंबर 22 राइट कर रहे हैं हम लोग, ये रॉन्ग हो गया है। ग, ठीक है, अभी हम लोगों ने पेज नंबर 22 किया है, होमवर्क पेज है इसका पेज नंबर 24। आपने ये भी बिल्कुल जैसे अभी मैंने आपको गाइडलाइन दी है सेम एज इट इज़ राइट करना है, सी डब्ल्यू की तरह, एच डब्ल्यू भी, ठीक है। फॉर्मेशन का बहुत ख़ास ख्याल रखना है, गंद नहीं मचाना, कहीं लाइंस नहीं लगानी आपने, और कलर भी करना है। जैसे ये पिक्चर दी हुई है डायनासोर की पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, सॉरी ये जिराफ है, एक प्यारा सा जिराफ बनाया हुआ है, कार्टून जिराफ है, इसको कलर करना है। मैं इसको कलर करूँगी येलो, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये इसका कलर येलो। पहले इसको आउटलाइन दे लें आप, आउटलाइन के बाद इसके अंदर कलर करेंगे हम, और मैंने एक ही कलर किया है येलो। ये लें, अब इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। अभी हम लोगों ने पेज नंबर 22 किया है क्लास वर्क, आप लोगों ने पेज नंबर 22 एंड 23 दोनों पेज करने हैं, बहुत नीट काम करना है बेटा, और बहुत अच्छा काम करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे होम, कीप सेफ, अल्लाह हाफिज़।